अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कूलिंग पॉइंट में स्वागत है आपका। आज हम स्क्रोल कंप्रेसर में ऑयल चार्ज करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कितना ऑयल चार्ज करना होता है या टॉप अप करेंगे तो कैसे आप पहचानेंगे कि हमको कितना टॉप अप करना है। तो सबसे पहले तो सुनिशो मेरा ऑयल है, ठीक है, ये SL32 है जो इसका ऑयल नंबर होता है, ठीक है। ये कौन कौन सा गैस पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस ऑयल को, तो यहाँ आप देख लीजिए 134A 404 R 407 410 507 एंड अनदर विल बी CFL एंड मतलब R22 में भी इसको SCFL R22 में यूज कर सकते हैं। तो ये जो मेरा एप्लीकेशन है ये R22 का है जो हम लोग जो पैकेज पर काम कर रहे हैं, तो हम लोग इसको ऑयल चार्ज करके आपको दिखाएंगे और कितना ऑयल चार्ज करना है उसके बारे में बताएंगे। तो ये कंप्रेसर जो है मेरा लगभग 12.5 टन का कंप्रेसर है, ठीक है, और ये जो टोटल यूनिट है ये 25 टन का है, ठीक है, दो कंप्रेसर लगा हुआ है। ये ऑयल पम्प है, हम लोग इसके मदद से अभी इसको हम लोग चार्ज करेंगे, आपको प्रैक्टिकल पूरा लाइव वीडियो हम दिखाएंगे। तो अभी हम आपको बता देते हैं, अगर ये 12.5 टन का कंप्रेसर है मेरे पास, अगर ये पूरा ड्राई रहा तो 3 पॉइंट समथिंग इसमें लीटर जो होता है हम लोग ऑयल चार्ज करना रहता है, ठीक है। तो अभी हम आपको यहाँ पे आपको दिखाएंगे, इसमें कंप्रेसर में ऑलरेडी नॉट रहता है, ठीक है, इधर देखिए कंप्रेसर हम लोग चेंज किए हैं, इसका वजह से हम लोग ऑयल चार्ज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑयल जो है लीटर में 3.37 लीटर, ठीक है, इतना हम लोग इसको चार्ज करेंगे। कब? जब कंप्रेसर मेरा पूरा ड्राई रहेगा, गैस नहीं रहेगा, सॉरी ऑयल नहीं रहेगा इसमें। तो अब देखिए इसमें ऑयल चेक करने के लिए यहाँ पर एक साइड ग्लास दिया होता, ठीक है, सीट ग्लास बोलते हैं, इसको दिया होता है यहाँ पे। और हम लोग का जब पूरा ड्राई रहेगा, मशीन ऑफ है, ड्राई रहेगा, तो हम लोग जो होता है इसका ये जो ग्लास है इसको 1/3 करते हैं, ठीक है, मतलब ये जो इसका हिस्सा है 1/3 लगभग हम लोग को इतना चार्ज करना रहता है, ठीक है। और ड्राई है तो लीटर में भी ना आपका 3.37 लीटर डाल सकते हैं, लेकिन ये आपको नॉर्मली हम बता दे रहे हैं इसका 1/3 ये चार्ज होता है। और इसका जो चार्जिंग पॉइंट है ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, इसका ये ऑयल चार्जिंग पॉइंट है। अगर ऑयल पम्प से कर रहे हैं आप, बात समझ रहे, अगर ऑयल पम्प से आप चार्ज कर रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से पुश करेंगे, ऑयल को प्रेशर करेंगे तो चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जैसे साइकिल में हवा भरते उसी टाइप से उसको करना पड़ता है। अभी आपको हम लाइव ऑयल चार्ज करके दिखाएंगे। अभी जो मेरा कंप्रेसर है उसमें हम लोग अभी जो मेरा कंप्रेसर है उसमें ऑलरेडी ऑयल है लेकिन थोड़ा कम है, तो हम लोग उसको पूरा चार्ज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अभी हम लोग सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। इसको ऑयल खुल चुके हैं, सबसे पहले इसको ऑयल मीन करने से पहले इसको अच्छा से क्लीन कर दे, इसमें कोई डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको अच्छा से क्लीन कर दे, इसमें कोई डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ऑयल पम्प है, ठीक है, ये नॉर्मली वैक्यूम करता है, ये ऑयल को खींचेंगे अब प्रेस करेंगे तो फिर ये लाइन से प्रेस होकर इसमें चल जाएगा। ऑयल पम्प से चार्ज करने में सबसे ज्यादा फायदा यह है कि इसमें गैस उस रिमूव नहीं करना पड़ता, और आप इधर से प्रेस करके डायरेक्टली करेंगे तो आराम से हो जाएगा। विदाउट ऑयल पम्प का भी कैसे ऑयल चार्ज करते हैं हम आपको वो भी वीडियो इंशाल्लाह प्रैक्टिकली कभी दिखा देंगे, फिलहाल अभी आपको हम ऑयल चार्ज करके दिखाते हैं, ठीक है। ये हम लोग इसको खोल दिए, इसका काम है नहीं क्योंकि इसमें दो पॉइंट चाहिए होता हमको, तो ये होस पाइप पे जो नॉर्मल रहता है, जो नॉर्मल साइड है बगैर पिन वाला, उसको हम लोग ठीक ऑयल पम्प में लगाते हैं, ठीक है। ऑयल पम्प में लगा दिए, और दूसरा जो पॉइंट है ये, इसमें डस्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा एक बात का ध्यान रखें। दूसरा जो पॉइंट है मेरा, देख लीजिए आप यहाँ पे, ये ऑयल चार्जिंग लाइन है, इस पर हम लोग लगाएंगे, ठीक है। देख रहे गैस है यूनिट पे, क्योंकि रनिंग मशीन है, कंप्रेसर चेंज किया तो बंद किया हुआ, अब हम लोग इसको यहाँ टाइट कर दिए, ठीक है, इसको अगेन
अच्छे से एक बार साफ कर लेते हैं। अभी देखिए इसमें जो है हम लोग इसको ये जो है इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। ये कवर है ताकि डस्ट उस्ट नहीं जाए, देख रहे हैं आप ये जो पॉइंट है। अभी हम लोग इसको ऑयल में इन करेंगे, ठीक इसी तरीके से। देखिए ये पूरा मेरा इन हो गया। अब हम लोग इसको कंप्रेसर मेरा बंद है, ठीक है, कंप्रेसर हम बंद करके कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये ऑयल का लेवल जो है यहाँ पे गिलन पे ऑयल का लेवल से कर रहा है, हमको अभी टॉप अप करना है। तो नॉर्मली साइड ग्लास हम लोग देख के करेंगे, यहाँ जो देख रहे आप साइड ग्लास है इसको हम लोग देखेंगे, 1/3 इसका टोटल हम लोग इसमें ऑयल रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं करना, आपको ये जगह को पुश करना है राइट हैंड से, इसको ऐसे खींचना है नॉर्मली आराम से आता है, फिर इसको हम लोग ऐसे करके प्रेस करेंगे। पकड़ लेगा, हाथ से पकड़ ले, दोनों हाथ से पुश करेगा नहीं, ठीक है। तो अभी इसका लेवल जो होता है इधर लेगा ना, अभी हम लोग इसका लेवल में लगभग आ गया है, ठीक है। साइड ग्लास थोड़ा सी ये ओल्ड है इसीलिए इसका वजह समझ में नहीं आ रहा, अभी आपको हम कैमरा पे सही से नहीं आ रहा, अभी हम इसको ऑन करके आपको दिखाएंगे तो आपको क्लियरली ये दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अभी ऑन करेंगे, इसके लिए हम लोग पहले यहाँ से रिमूव कर लेते हैं लाइन को, ठीक है। लाइन को हम लोग रिमूव कर लेते हैं, अभी जस्ट इसको ऑन करेंगे, ठीक है। अभी ये देख रहे हैं, अगर आप कुछ मन से एक बार पंप कर देखिए अभी इससे कैसे ऑयल निकलेगा, ठीक है। और बस हल्का 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 देखिए, हाँ एक मिनट पंप मारने दो, देखिए जैसे पंप को मारेगा देखिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि नॉर्मल इतना इजी प्रोसेस है चेक करने का, और हमेशा इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लेट होता है स्टिकर होता है उसमें ऑयल कितना चार्ज करना दिया रहता है, अगर नहीं है तो जो स्कैनिंग होता है इस बार कोड का उसमें करके पता कर सकता है। इंशाल्लाह डोमेस्टिक का तो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, कौन सा कंप्रेसर कितना टन का है, 1.5-2.5 टन तक का में कितना ऑयल चार्ज होगा वो कर चुके हैं इंशाल्लाह। अभी हम लोग इसका डिमांड का हम लोग ई करेंगे, क्या कॉन्ट्रैक्टर का कमांड के लिए हम लोग जोड़ेंगे, उसको कंप्रेसर ऑन करके आपको हम दिखाएंगे इसका ऑयल लेवल, टेम्परेचर डाउन करना ऊपर टेम्परेचर डाउन करके कंप्रेसर ऑन करके आपको लेवल दिखाएंगे अभी आपको ऑयल का। आपको हम ऑलरेडी इसका ऑयल लेवल दिखा दिए है, मेरा चार्ज हो चुका है इंशाल्लाह। फिर एक नया टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइव वीडियो देखने हैं। अगर आपको अच्छा लगता है काम करते हुए तो कमेंट भी अच्छे करें, और अगर अच्छा नहीं है तो फिर कमेंट भी करें कि भाई वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे। तो फिलहाल हम आपको टोटल ऑयल चार्ज का प्रोसेस जो होता है हम बता दिए है, इंशाल्लाह कभी विदाउट ऑयल पम्प का चार्ज करना हो तो अभी हम वीडियो अपलोड कर देंगे। अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, इंशाल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।